इच्छा व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति। आइए, हमारे सामने कई सारे ऐसे हमारे शहीद भी साथी उपस्थित हैं, उसमें से हमारे अतिथि विशेष हम श्री गगन भाई सुप्रिया जी भी हम सभी को कुछ दो बातें सुनाएंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जय श्री परिवार मुंबई संचालित कन्या कौशल शिविर में सबको मार्गदर्शन देने के लिए पधारे डॉक्टर संध्या सर, मंच पर उपस्थित सभी अतिथि एवं दाता हो रशिता बहन, कार्यक्रम के संयोजक श्री मनोभाई पटेल एवं दुगच्छी भाई मोरिया, बहुत सारे मित्र हमारे दूर से और दूर से यहाँ बना रहे हैं, प्रताप काका कन्या कौशल्य शिविर में काली मार्ग की हमारी तेजस्वी वर्जस्वी राजस्वी यशस्वी सब बहनों को सरदार धाम के सेवक जगदीश प्रिया का सामूहिक नमस्कार। मेरा हिंदी में थोड़ी तकलीफ रहेगी, गुजराती ना मैं पर काफी लोग शायद हिंदी भाषी है मैं है मिक्स। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा सुंदर आयोजन किया है, इसके बारे में मनुभाई पटेल और उनकी समग्र टीम को आप सबकी ओर से लाख लाख बधाई देता हूं। मैं भाग्यशाली हूं, मुझे इस बात का गर्व है कि गायत्री परिवार के इस गौरवंत मंच पर आने का सौभाग्य मिला, इसीलिए मनु भाई और दुमर्शी भाई का मैं बहुत आभारी हूं। मेरी प्यारी बहनों, बक्सर नेत्रल दिल से पंक्ति क्या ला जाती है, हवाओं के बिना फिजाओं में सुरूर नहीं होता, चांदनी को भी चांद के बिना गुरूर नहीं होता, अगर आप जैसे अच्छे बच्चे यहाँ मौजूद नहीं होता तो हमें अहमदाबाद से यहाँ आने का मन नहीं करता। मेरे ज्ञानवान धैर्यवान सभी भाई बहनों, युग पुरुष कहूं तो कोई ज्यादा नहीं रहेगा, पर युग ऋषि श्री राम शर्मा जी के जो सिद्धांत पर व्यक्ति निर्माण से एक राष्ट्र निर्माण की जो ध्यान लेकर गायत्री परिवार पूरे राष्ट्र से लेकर विश्व तक उस कार्य की जो सुगंध है, और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण करने का जो काम है आज के समय में, आज साम्प्रत समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब एक ज्ञान की निर शांति की परम आनंद की शोध में है, वो तो कैसे मिलता है, कहां मिलता है, वो एक संशोधन की बात जब बन जाती है तब तो ऐसी संस्था के युग पुरुष सत्पुरुष वीर पुरुष महापुरुष जो जो नाम दिया जाता है उसमें कम है, ऐसे लोग हमें रास्ते दिखाते हैं चलने के लिए, ज्ञान के रास्ते चलने के लिए। इसलिए
हम बिल्कुल हिम्मत नहीं हारते हुए बहुत आशावादी बनकर व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का जो दायित्व परिवार का जो अभियान है उसमें ठीक से लगे रहे। इसलिए किसी ने कहा है कि आज हारे को क्या हुआ, तुम अपनी मंजिल पर नजर रखना, जो हुआ उसे भूल कर तुम नई दुनिया कदम रखना, नई दुनिया में कदम रखना। स्वामी विवेकानंद जी ने, गांधी जी ने और सरदार सहारंग ने एक सपना बनाया कैसा भारत होगा। हमारी रश्मिता बहन जो बात कर रही थी, मुझे फक्र है इस बहन पर, महाराजी उन बहनों को जो ताली देने की, इन महापुरुष का ही सपना था कि हमारा भारत एक सक्षम भारत बने, एक सबल भारत बने, एक स्वावलंबी भारत बने, एक तंदुरुस्त ज्ञानवान प्राणवान तेजवान भारत बने और आगे जाके भारत महाभारत बन के विश्व गुरु बने, विश्व गुरु बने। है महापुरुषों उनका सपना हमें साकार करना है, हमारे देश की तस्वीर बदलने की, देश की तकदीर बदलने की, देश की तस्वीर बदलने की युवा शक्ति में स्पंदा चाह हमें विश्वास है। युवा शक्ति में वो शक्ति बड़ी है, वो तेजस्वी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ओजस्वी है, राजस्वी है और भारत की व्यारणा यशस्वी भी है। मुझे युवा शक्ति पर लाभ है, गर्व है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए सरदार धाम के सेवक के रूप में मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। आप दीर्घ शांति परम आनंद और ज्ञान का अनुभव करें, जीवन में पूर्णता प्राप्त करें और कोई भी मुश्किल में पीछे नहीं हटे, आत्मविश्वास से काम करें। इसलिए किसी ने कहा है कि जिनको दुनिया की कोई घटना दुर्घटना विघटना सुघटना हिला नहीं सकती, वो सारी दुनिया को हिला सकता है, सारी दुनिया को हिला सकता है। हम वीर पुरुष के संतान है, मुझे तो एक एक बहन में रानी लक्ष्मीबाई दिखाई देती है, दिखाई देती है, सीता जी दिखाई देता है, माँ अम्बा दिखाई देती है। हा? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी आपकी तरह कुछ छोटा सा एक काम कर रहे हैं। अहमदाबाद में ग्रामीण विस्तार से जो अभाव में बिल्कुल सारा जी रहे हैं, अभाव में या किसी के प्रभाव में जी रहे हैं, ऐसे दूर दूर से आते बच्चे हैं, बेटियां हैं, इन बच्चों को पढ़ने का काम, रहने का, छात्रालय का काम, तालीम का काम, मार्गदर्शन का काम, देश और दुनिया से ताल मिलाने का काम, खानगीकरण उदारीकरण विश्वकरण की 21वीं सदी ज्ञान की सदी में आंख मिलाने का काम कर सके, स्वमान के साथ रोजगार प्राप्त कर सके, ऐसा सरदार धाम की हमने संस्था बनाई है, उसमें प्रताप काका का भी आशीर्वाद है। तो ऐसे काम के हम लगे हुए हैं। अभी पंड्या साहब को मैं विनती करता हूँ, उसके चरणों में मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सरदार धाम का जो एक मिशन है, जैसे गांधी परिवार का मिशन है कि समग्र भारत तेजवान प्राणवान निष्ठावान आयुष्वान ज्ञानवान बने, इसी तरह सरदार धाम का मिशन है कि हर बेटा हर बेटी गुजरात में शिक्षित हो, दीक्षित हो, विकसित हो और स्वयं को रक्षित हो, स्वयं को रक्षित हो। इसी प्रकार चौबा साहब के मिशन लेकर हम निकले हैं, उसी मिशन में पंडा साहब का आशीर्वाद मिले, आप सबकी शुभकामना मिले।
ऐसे चाहते हुए दोस्तों हम आपके बीच में से विदाई लेते हैं। तो हम एक बार आपको कह जाते हैं, आप में वो शक्ति पड़ी है बहन, आप नारी शक्ति सशक्तिकरण का नेतृत्व कर सकते हैं, आप भारत माता का नाम रोशन करने के लिए, अपने माता पिता का गौरव बढ़ाने के लिए सारे देश का आप नेतृत्व कर सकते हैं। मुझे आशा है, उम्मीद है, अपना नाम रोशन करेंगे और गायत्री परिवार से निकले हुए एक एक बहना हमारी वीरांगना के स्वरूप है, दारण माता का रक्षण भी करेंगे, इस बात का विश्वास है। आप सबको शुभकामना देते हुए, आप सबकी शुभकामना लेते हुए, आप सबका आशीर्वाद लेते हुए, सरकार धाम का सेवक आपके बीच में से विदाई लेते हुए आप सबको नमस्कार करता है और जाते जाते इतना कह जाता है कि बहना हर दिल की एक आहत होती है, हर दिल की एक आहत होती है, कोई अपना मिले साहेब ये चाहत होती है। जब आप जैसे अपने मिलते हैं तो दिल को सुकून और राहत मिलती है, दिल को सुकून और राहत मिलती है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नगरिया जी भाई साहब। सरदार धाम के सेवक के रूप में उन्होंने सेवा के कार्यों को भी सराहना करते हुए सभी को इस सेवा के कार्य में अपना भी कुछ योगदान देने की बात भी समझाई और अपने भीतर में पड़ी हुई शक्तियों को जगाते हुए आगे बढ़ने की भी बात भी समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कार्य में हमारी पुरुषता आपको भी बहुत सफलता दे इस भाव के साथ। आइए, जिनकी पिता हम कई दिनों से देख रहे थे, हमारे भीतर में कई कलमन थी, उम्मीदें थी और आज वही परम पुरुषता के शक्ति को लेकर हमारे बीच परमादरणीय श्रद्धे डॉक्टर साहब पधार रहे हैं। भाव से एक बार उनका हम अभिवादन कह रहा है कि जल में ढूंढ मिले उसे हम नीर कहते हैं, जल में दूध मिले उसे हम नीर कहते हैं, चावल में दूध मिले तो उसे हम खीर कहते हैं, लेकिन इस शुभ अवसर पर हमारे श्रद्धे मिल जाए तो ही तो उसे तकदीर कहते हैं, उसे हम तकदीर कहते हैं। आज हमारे परम सौभाग्य है कि हमारे बीच परमादरणीय श्रद्धे डॉक्टर साहब पधार रहे। इसी नाम से हमने कई बार इन दिनों में उनको याद किया, जिनको याद करते हैं वो आ जाते हैं। पहले दिन आपको बताया था कि मरीज को कहाँ जाना चाहिए, हॉस्पिटल, लेकिन हम इतने मरीज हो चुके ताकि हमारे बीच डॉक्टर खुद चल के आ गए। आपको याद होगा कि डॉक्टर क्या करता है, अगर कुछ शरीर के हिस्सा बिगड़ जाता है तो ऑपरेशन करके डॉक्टर उसको निकाल देते हैं। आज इस शरीर के लिए तो कई सारे डॉक्टर नहीं जाएंगे, लेकिन इस संसार में आकर इस मानव शरीर धारण करके इस मानवता के लिए योग्य ना हो, ऐसे कई चीज अगर हमारे भीतर में पड़ी है तो आज इस डॉक्टर साहब से हम ये प्रार्थना करेंगे हमारे अंदर का ऑपरेशन कर दे, ताकि उसमें जो कुछ अयोग्य चीज है वो निकल जाए और हम अच्छे मानव के रूप में उभर आए। हमारे कर्मभूज होते निमृषि निमृष्टा वेद उपनिष्ठ पंडित श्री राम सिंह आचार्य जी अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रणेता प्रवर्तक, उनका उद्घोष था 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण।
इस मानवता के लिए जो भी काम छोड़ के गए हमारे गुरुदेव, वह काम को हमारे परम आदरणीय सदगुरु डॉक्टर साहब ने संभाल लिया। जब से इस बोर्ड को अपने हाथ में लिया, अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख स्थान में बैठकर इस मिशन को इतना आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया, युवा शक्ति को ललकारा, और आज केवल भारत ही नहीं देश विदेशों में इस युवा शक्ति अपने लगन से इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो ये मार्गदर्शक राहगर हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब रहे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हमारे गुरुदेव का एक स्वप्न था कि यहाँ भी तक्षशिला और नालंदा की तरह एक विश्वविद्यालय हो। हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय ने प्रभुज गुरुदेव के वह स्वप्न को साकार करने के लिए, मुझे याद है कि जब हम 1997 में हम डॉक्टर साहब को जब मिलने गए, तब डॉक्टर साहब ने हमसे ये बात की थी कि देखो बेटा, अब तो विश्वविद्यालय बनने जा रही है, अब चिंता की बात नहीं है, बहुत सारे बेटियां बेटे इस विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, आपको भी विश्वविद्यालय के बारे में बताया, कई सारे प्रांत से वहां पर आपकी जैसी बेटियां बेटे पढ़ रही हैं। बहुत बड़ा परम सौभाग्य ये है कि विश्वविद्यालय में हर कोई यूनिवर्सिटी होती है, इसमें क्लास चलते जरूर होंगे, लेकिन देव संस्कृति विश्वविद्यालय का एक अनोखा ढंग है कि वहां पर हमारे कुलपति के रूप में रहने वाले हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय उन बच्चों के पास बैठकर गीता की क्लास लेते हैं और गीता में सिखाए गए सभी बातों को हम बच्चों तक पहुंचाते हैं। जब हमारे परम श्रद्धेय की गीता की क्लास के लेक्चर हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में एक अर्जुन को गीता सुनाने के लिए कृष्ण खड़े हुए थे, लेकिन आज इस भारत के अनेक अर्जुनों को इस गीता का ज्ञान देने के लिए हमारे कृष्ण वही ज्ञान सुनाते रहे। हमने उनके पास बैठने का चाहे दो मिनट या पांच मिनट क्यों ना मिलती हो, लेकिन उस समय में हमने उसके भीतर की बड़ी सरलता सहजता को हमने पाया है। गीता के बारे में अध्याय गीता भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण ने योगेश्वर में बताया है, संतुष्ट सप्तम योगी यदात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि योग भक्त शनि प्रिय तद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र कर्म एक च निर्ममो निरंकार समह दुख सुख क्षणी वही दिव्यता हम हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के भीतर में देख रहे हैं। उनका दर्शन ही हमारे भीतर में श्रद्धा को उठा रहा है और वही काम करने के लिए हमारे भीतर में शक्ति को जगा देती है। आज ऐसा दिव्य पात्र हमारे सामने है। वर्तमान में कम ज्ञात होगा शायद एक घटना घटित हुई है, आपको बताकर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारे राज्यसभा में राज्यसभा के पद में बिठाने के लिए हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय के पास राज दरबार गया था। हमारे श्रद्धेय ने सोचा कि राज दरबार में अगर जाएंगे तो राजगुरु के माध्यम से शायद कुछ अच्छी दिशाएं दे सकेंगे, लेकिन सोचा कि मेरे गुरु के समय, गुरु के काम के लिए जो समय है, उस समय में से मैं समय काट के ये काम नहीं कर सकता हूं। फिर उन्होंने ऐसे ऊंचे पद को भी ठोकर लगा दिया और कह दिया कि मुझे ये पद नहीं चाहिए। आज उसी पद के लिए कई सारे लोग करोड़ों रुपया देकर उस पद की चाहत को
अपनी पूजा करते हैं, लेकिन हमारे परम श्रद्धेला प्रसाद ने उसको भी ठोकर लगा दिया और साबित कर दिया कि राजतंत्र के ऊपर धर्मतंत्र रहता है, धर्मतंत्र के ऊपर राजतंत्र नहीं रहता है। इस बात को याद करके बहुत भीतर से आनंद भी होता है और निरंतर गुरु के काम में बिना थके बिना रुके बिना शरीर की पीड़ा को याद करके वो निरंतर अपने गुरु की सेवा में अनवरत चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इस भारत वर्ष की यात्रा और साथ साथ में विदेश की यात्रा, कहीं पर कोई सम्मेलन है, कहीं पर ऐसी गोष्ठी है, कहीं पर कार्यकर्ता सम्मेलन है, क्या क्या हर जगह हर प्रांत में कितना काम चल रहा है और ऐसे कामों के लिए वो अपने बिल्कुल परवाह किए बिना निरंतर चलते रहते हैं। हमारे गुरुदेव ने इसलिए तो कहा था, और उनके हित जो जीता है और उनके हित जो मरता है उनका है आंसू रामा है, पर अपने जीवन में उन्होंने बचाई है और बहुत अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति गीता का संदेश हम सबको दे रहे हैं। आज वही प्यार को लेकर हम सब बच्चियों के भीतर में वही प्यार चलाने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। वैसे तो सरिता सागर को मिलती है, लेकिन आज प्यार का सागर चल के यहाँ आए हैं, तो हमारा यही सौभाग्य है। बस हम एक बुद्ध के प्यास हैं, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। और वही प्यार को लुटाने के लिए सारे दुनिया में चल पड़ेंगे। प्रभुज भूपेन्द्र स्वप्न को साकार करने के लिए प्यार का सागर बनकर अगर वो बह रहे हैं तो हम भी आगे चलते रहेंगे। कहा गया है कि एक इच्छा कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं बदल सकती, एक निर्णय कुछ बदल सकता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल सकता है। आज हम एक निश्चय के साथ यहाँ से विदा होंगे। आज विदाई के मौके पर अगर हमारे पास इस प्यार को लुटा के लिए हमारे परम श्रद्धे बता रहे हैं, तो आइए आज उनके सामने हम संकल्प लेंगे, बराबर सा संकल्प लेंगे कि यहाँ से जाने के बाद हम ऐसे चलेंगे कि गुरुदेव के स्वप्न को हम साकार कर देंगे। हम ना रुकेंगे ना बैठेंगे। इस भाव के साथ आइए हम गुरुदेव के स्वप्न को साकार करने का संकल्प परम श्रद्धे अपने प्रसाद के सामने हम लेते हैं, जोर से अपने भीतर से अपने हृदय से। चलो गुरुदेव
Thank you.